नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एनालिटिकल दर्शन। दोस्तों अब हर चीज की रेट बढ़ गई है, कॉपर इत्यादि की भी रेट बढ़ गई है, रिले की भी रेट बढ़ गई है और बहुत सारे मैकेनिक्स भी सोचते हैं कि मैं कम से कम रिले कौन सा लगाऊं। तो अभी मैंने नेट पर सर्च किया तो बहुत सारे जो है इस रिले के बारे में भी हमको कुछ जानकारी मिली है जिसका नाम है वोल्टेक और ये है आपकी जो है डेनमेक की रिले। ये दो तरह के रिले हैं तो मैं इसको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अगर मैन्युफैक्चर हैं तो आपको कौन सी रिले लगानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप देख सकते हैं कि दोनों देखने में सेम टू सेम है और पॉइंट भी जो आपको दिख रही है यहाँ पर भी सेम टू सेम, हर कुछ सेम टू सेम है, साइज भी लगभग सेम टू सेम है। लेकिन अगर आप मैकेनिक्स हैं, रिपेयर करते हैं तो आप ये आपको जो है वोल्टेम की ये सस्ती पड़ेगी, आप इसे लगा सकते हैं। और अगर लेकिन अगर आप मैकेनिक्स हैं तो आपको कौन सा लगाने चाहिए, जो आप अगर मैन्युफैक्चर हैं तो कौन सी लगानी चाहिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं दोनों को लगभग मैं ओपन कर दे रहा हूँ। अब दोनों आपकी जो है रिले ओपन हो गई, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों रिले ओपन कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली अब तो देख सकते हैं आपके सामने दोनों को दोनों है। इसमें जो है कॉपर कम है, काफ़ी कम है और इसमें है कॉपर ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों के पॉइंट है, दोनों को पॉइंट में भी अंतर है। आप इसे निकाल कर भी देख सकते हैं सिंपली, तो मैं इसे निकाल कर आपको दिखा भी सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहला नंबर कॉइल कम है, दूसरा नंबर आप पॉइंट में भी कम है, तीसरा नंबर। ये कुछ नामी कंपनी है, पुराने समय से अच्छे परफॉर्म कर रही है, जबकि ये नई कंपनी है। सस्ती ज़रूर है, 20 रुपये या 25 रुपये सस्ती है इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा कि इसमें वायर कम है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पॉइंटों में अंतर है। तो आप दोनों के लगाने में आपका नुकसान क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अगर आपने बड़े स्टेबलाइजर में लगाए हैं तो उनके क्या होते हैं कि वोल्टेज कम के कारण, वोल्टेज के कारण क्या है इसमें कि जब 24 वोल्ट इसमें भी दीजिएगा उसमें दीजिएगा तो इसकी कॉइल टर्निंग कम है। नतीजा क्या है कि ये हीट होगी तो उसके बाद ये कॉइल खराब होने की संभावना है, जबकि ये अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला। दूसरी बात, ये आपकी जो है इसकी जो है कटकटाने की समस्या ज़्यादा आएगी, जबकि इसकी कटकटाने की समस्या, क्योंकि मैग्नेट फुल बनाएगी तो इसकी कटकटाने की समस्या भी कम आएगी। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आप दोनों में से कौन सा रिले यूज कीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेनमेक का रिले यूज कीजिए या फिर पावर मैन का यूज कीजिए, लेकिन लोकल कंपनियाँ जो है ये रिपेयरिंग में आप कर सकते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में आप उनके चले हुए जो स्टेबलाइजर उनमें दे सकते हैं सस्ते के लिए, या फिर आपको सस्ती बेचनी है कंपटीशन के लिए तो उसमें आप ये दे सकते हैं वोल्ट एम्प जैसी। और भी बहुत सारी कंपनियाँ लेकिन ये वोल्ट एम्प की है और मैंने और भी कई कंपनियों को भी इस्तेमाल किया है, उनमें भी नहीं थी, उसमें भी वायर कम थे, जबकि कुछ कंपनियां हैं जैसे कीर्ति इत्यादि जो हैं उसमें भी कमी नहीं रहती है, कॉइल पूरी रहती है। तो आप ये देख लें कि आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा आपको कब है, अगर नए बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ज़्यादा फायदा आपको किस चीज़ में है, तो आप अपने कमेंट जरूर कहिएगा, कमेंट में राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।